हाँ जी गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम जो है वो बात करेंगे 10th 12th की ओपन और रेगुलर की DMC पर। आज एक ऑफिशियल अपडेट आई है, हाँ जी, हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आई है, वो हम इस वीडियो में आगे पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर कंपार्टमेंट DMC हरियाणा बोर्ड की हर छोटी से लेकर बड़ी अपडेट तक आपको मिलती रहती है। चलिए अब सीधा ऑफिशियल अपडेट की ओर जो है चलते हैं। तो आप ये आज की न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, छुट्टियों के बाद मिलेगी 10th 12th की मार्कशीट। हाँ जी, ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट संबंधित विद्यालयों में ही मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रदेश भर में जिलेवार 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मार्कशीट भेजने में जुटा है। काफ़ी हद तक मार्कशीट संबंधित स्कूल में भेजी जा चुकी हैं। विद्यार्थियों को संबंधित स्कूल में ही मार्कशीट मुहैया करवाई जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष VP यादव ने बताया कि स्कूलों को प्रमाण पत्र भिजवा दिए जाएंगे। तो गाइज, मैं आपको अपडेट दे दूँ हरियाणा बोर्ड की तरफ से, जो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया था कि ये वीडियो बनाकर कि इस हफ्ते में मार्कशीट भेजने का काम शुरू हो चुका है। तो वही काम जो है वो मतलब अब ऑफिशियल अपडेट आ गई। हरियाणा बोर्ड ने लगभग अपने जो करनाल के अंदर जो जैसे सपोज हम करनाल जिले के अंदर हैं, तो करनाल के जो DO हैं उनके पास जो है वो स्कूल की DMC भिजवा देते हैं। फिर वहाँ से जो है वो स्कूल वाले अपने आप DMC अपने जिलेवार एक जगह पर क्रैक कर लेते हैं। हरियाणा बोर्ड डायरेक्ट भी जो है वो स्कूलों में DMC जो है वो भिजवा देता है। तो हरियाणा बोर्ड ने माइग्रेशन और DMC जो है वो दोनों चीज़ आपके संबंधित स्कूल में भिजवा दी हैं, तो आपको अपने स्कूल से ही जो है वो DMC वगैरह मिलेंगी। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो उसके बाद जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो वैसे ही आपको भी DMC प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। लेकिन कई स्कूल वाले जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए, वो आपको जैसे ही DMC मिलती है वो आपको पहले भी जो है वो बुलाकर DMC और करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपको तीन चीज़ जो है वो अगर आप 12th क्लास पास किया तो आपको तीन चीज़ जो है वो स्कूल से मिलेंगी, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और DMC। अगर आपने 10th पास किया है तो आपको केवल माइग्रेशन सर्टिफिकेट और DMC मिलेगी। करेक्ट सर्टिफिकेट उन केसेस में जरूरत पड़ेगी जब आपको ITI या आपको पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लेना है। तो आई होप आप सभी के लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, यानी हरियाणा बोर्ड ने DMC भेजने का काम शुरू कर दिया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे ही जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी जुलाई के अंदर स्कूल खुलेंगे तो आपको आपकी DMC मिल जाएगी। आपको उससे पहले भी आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो आपको पहले भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। धन्यवाद।